हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्स 7। आज आपके लिए एक और नया रिव्यू लेकर आई हूँ और इस रिव्यू में हम जो चीज़ अनबॉक्स करेंगे वो आपके सामने ही है। यहाँ हमारे पास मौजूद है पर्सनल ब्लेंडर, बहुत ही आसान, सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वर्किंग है। साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोगों के लिए लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने प्रोडक्ट को बॉक्स में से निकाल लिया है, सारी पैकेजिंग भी उतार ली है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने मौजूद है ज़बरदस्त किस्म का ये पर्सनल ब्लेंडर। साइज़ में जो है बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपने एक बंदे के लिए बनाना है, बल्कि मेरे ख्याल से एक बंदे से ज़्यादा इसमें बन जाता है। और यहाँ पर इसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा लिड है जो कि आप जब इसके अंदर कुछ भी अपनी कोई भी ड्रिंक तैयार करते हैं तो आप इसके अंदर पी सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो है मेजरमेंट्स लिखी हुई है, इसके हिसाब से इसके अंदर आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारी ड्रिंक्स को तैयार करता है। तो मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज जो कि मैंने फ्रोज़न ली हैं ताकि मैं चेक कर सकूं कि ये फ्रोज़न फ्रूट्स किस तरीके से ब्लेंड करता है, और साथ में बनानाज ऐड किए हैं और इन दोनों को मिक्स करके हम इसका मिल्क शेक तैयार करेंगे, और साथ में मिल्क ऐड कर दिया है। तो अब हम इसका मिल्क शेक जो है तैयार करते हैं और देखते हैं किस तरह और कितना टाइम लगाता है, कहीं ये सही तरीके से करता है कि नहीं। तो ये हमने सारी चीज़ें देखनी होती हैं जो कि ब्लेंडर में ज़रूरी होती हैं। तो अब इसको इसके साथ अटैच कर दिया है, सिंपल इसके लॉक जो है उसकी साइड पे आपने इसको जो मार्क है उसको कनेक्ट करना है, और इसके बाद प्लगइन लगा लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मुझे इसका जो साइज़ है वो भी बहुत अच्छा लगा। तो इसका जो बटन है उसको आपने पल्स की तरह यूज़ करना है, पल्स जैसे होता है उसी तरह ही वर्क करता है, जब आप प्रेस करेंगे तो ये वर्क करेगा और छोड़ देंगे तो ये रुक जाएगा। ऑलरेडी सारे फ्रूट्स जो हैं ब्लेंड हो गए हैं दूध के साथ बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये स्मूथ हो चुकी हैं, बिल्कुल एक जैसे हो चुकी हैं। पता ही नहीं लग रहा कि इसमें कोई चंक्स वगैरह हैं या नहीं, मैं इसकी शक्ल देख के ही बता सकती हूँ और आपको भी इसकी जो है शक्ल देख कर अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैं अभी आपको इसको खोल के भी दिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये ब्लेंडर आइस वगैरह भी बहुत अच्छे से क्रश कर देता है, और जो आइसी ड्रिंक्स होती हैं, बेवरेजेस होते हैं, उनको भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार करता है। इसकी जो वर्किंग वगैरह है बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है और साथ ही साथ कन्वीनियंट भी बहुत है। तो अगर आप लोगों ने बाय करना है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए कैसी ज़बरदस्त सी ड्रिंक हमारी मिल्क शेक जो है वो तैयार हो चुका है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना स्मूथ है, कितना ज़्यादा क्रीमी है, कोई चंक्स नहीं रहे इसके अंदर। तकरीबन 5 से 7 सेकेंड में ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मिल्क शेक तैयार हो चुका है। आप लोग भी अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय कीजिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।